أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students I'm your teacher Slim Yusuf and today this is my lecture number 16 for the students of BBA fourth semester and in this lecture we shall discuss the topic report writing तो dear students आज का lecture report writing से मुतल्लिक है बड़ा अहम lecture है आइए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी रूटीन के मुताबिक मैंने रिपोर्ट राइटिंग की डेफिनेशन लिखी है रिपोर्ट राइटिंग की पहली डेफिनेशन है जी अ रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू पर्टिकुलर ऑडियंस रिपोर्ट लिखी जाती है बड़े वाज़े मकसद के साथ खास तरह के ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आर प्रेजेंटेड इन इट और इसमें खास तरह के एविडेंस दिए जाते हैं यानी इंफॉर्मेशन मालूमात के साथ साथ उसकी एविडेंस शहादत गवाही सबूत पेश किया जाता है तो आपने नोट किया कि अपने रूटीन के मुताबिक मैंने इस पहली डेफिनेशन के साथ ही इसका लिंक भी लिख दिया है जहां से डेफिनेशन मैंने ली है आप उस लिंक को इस्तेमाल करके उस वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट राइटिंग से मुतल्लिक फर्दर मालूमात हासिल कर सकते हैं उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन है इसेंशियली अ रिपोर्ट इज अ शॉर्ट शार्प कंसाइज डॉक्यूमेंट रिपोर्ट क्या है एक मुख्तसर सा डॉक्यूमेंट है विच इज रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस खास मकसद के लिए लिखा जाता है एड ऑडियंस और खास तरह के ऑडियंस के लिए लिखा जाता है इट जनरली एनालाइजिस अ सिचुएशन और प्रॉब्लम और आमतौर पर यह एक सिचुएशन एक प्रॉब्लम से मुतल्लिक होती है ऑफन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शंस और बाज़ वक़्त रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशन भी दी जाती हैं सिफारिशात पेश की जाती हैं मुस्तकबिल से मुतल्लिक इट इज़ अ फैक्चुअल पेपर एंड नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड तो इस सेकेंड डेफिनेशन में ना सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग को डिफाइन किया गया है बल्कि इससे मुतल्लिक कुछ हिदायत भी दी गई हैं कि ये किस तरह की होनी चाहिए सेकंड डेफिनेशन का भी लिंक मैंने साथ में लिख दिया है रिपोर्ट राइटिंग की इन दो डेफिनेशंस के बाद हमें बात समझ आ जाती है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है अब आगे चलते हैं जी प्रेपरेशन एंड प्लानिंग हम इसकी प्लानिंग से मुतल्लिक पढ़ेंगे कि रिपोर्ट लिखने से पहले किस तरह से प्लान किया जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट to lead the reader through your thinking structure bada aham hai report ka is report ke structure ke zariye se aap apne reader ki rehnumai karte hain kisme your thinking to a course of action usko apne thinking se aagah karte hain course of action aap kya amal karwana chahte hain and decision aur aapne is report ke aakhir mein kya faisla liya hai ye sab kuch padhne wale tak pahunchana usko samjhana ये आपका काम है और ये उसी सूरत में मुमकिन है जबकि आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो इट इज वर्थ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम टू प्लान इट आउट बिफोर हैंड और ये बड़ा ही अच्छा है कि आप वक्त से पहले इसको प्लान कर लें अपनी रिपोर्ट को प्लान कर लें तो इसमें फर्स्ट स्टेप है नो योर ब्रीफ ब्रीफ क्या होता है किसी रिपोर्ट से मुतल्लिक मालूमात जब एक ऑफिसर अपने मातहत से कहता है कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है फलां फलां टॉपिक से मुतल्लिक सब्जेक्ट से मुतल्लिक तो उस मातहत को ब्रीफ किया जाता है कि ये टॉपिक क्या है मामला क्या है इसमें क्या लिखना है और ये सब कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर उसे दिया जाता है और हर एक कंपनी में रिपोर्ट का फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार होता है लिहाजा फर्स्ट स्टेप ये है कि एक रिपोर्ट लिखने वाले को पता होना चाहिए कि उसका ब्रीफ क्या है द राइटर यूजली रिसीव्स अ क्लियर ब्रीफ फॉर अ रिपोर्ट इंक्लूडिंग व्हाट ही इज स्टडिंग एंड फॉर हुम द रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड राइटर को लिखने वाले को एक ब्रीफ प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वाजे तौर पर लिखा होता है कि उसने रिपोर्ट किस मौजू पर लिखनी है और किस को लिखनी है First of all, consider your brief very carefully and make sure that you are clear
हु द रिपोर्ट इज फॉर। फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने ब्रीफ को पूरी तरह से पढ़ें और अपने जहन में वाजे करें कि आपकी ये रिपोर्ट किसके लिए है। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन नॉट जस्ट योर ट्यूटर बट हु इट इज सपोज्ड टू बी रिटन। टू बी रिटन फॉर। और अगर आप एक स्टूडेंट है, तालिब इलम है, तो फिर आप देखिए कि ये आपके ट्यूटर के लिए है या किसके लिए लिखी जा रही है। एंड वाई यू आर राइटिंग इट, और आप इसको क्यों लिख रहे हैं। इट एज वेल एज वट यू वॉन्ट द रीडर टू डू एट द एंड ऑफ रीडिंग। और ये कि आप अपने रीडर से क्या करवाना चाहते हैं इस रिपोर्ट के आखिर में। मेक अ डिसीजन, इन सारी चीज़ों से मुतलिक फैसला ले लें, उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखनी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग में। सेकेंड स्टेप क्या है जी, कीप योर ब्रीफ इन माइंड एट ऑल टाइम। जब आपने रिपोर्ट लिखना शुरू कर दी है तो जो ब्रीफ आपने पढ़ा था उसको भुलाना नहीं, उसको मुसलसल अपने जहन में रखना है। और मुनासिब ये होता है, सजेस्ट ये किया जाता है कि जब आप रिपोर्ट टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो उस ब्रीफ को, इस एक सफ़े को अपने सामने रख लें। ड्यूरिंग योर प्लानिंग एंड राइटिंग मेक श्योर दैट यू कीप योर ब्रीफ इन माइंड। यानी जब आपने प्लानिंग की है, जब आप राइटिंग शुरू करें तो इस ब्रीफ को अपने जहन में रखें। और मैं तो कहता हूँ कि ना सिर्फ जहन में रखें बल्कि नज़रों के सामने रखें। हु आर यू राइटिंग फॉर, कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। एंड वाई आर यू राइटिंग, और आप क्यों लिख रहे हैं। ऑल योर थिंकिंग नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन, आपकी तमाम तर थिंकिंग का एक फोकस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना चाहिए आपकी सोच को। दैट विच मे रिक्वायर यू टू बी रूथलेस इन योर रीडिंग एंड थिंकिंग। और इस काम के लिए ज़रूरी है कि आपने बड़ी एहतियात से अपने ब्रीफ को पढ़ा हो, आपने उसे मुतलिक सोच कर आइडियाज डिवेलप किए हों। एनीथिंग इररेलेवेंट शुड बी डिस्कार्डेड। और इसमें यह भी शामिल है कि जो भी कोई गैर मुतल्लिका चीज़ है आपके टॉपिक से हट के है उसको निकाल दीजिए। एज यू रीड एंड रिसर्च ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर वर्क इन टू सेक्शंस जस्ट लाइक अ लिटरेचर रिव्यू। और जब आप लिख रहे, जब आप पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको जो भी डेटा मिलता है उसको ऑर्गेनाइज कर लें, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज कर लें। मेक श्योर दैट यू कीप ट्रैक ऑफ योर रेफरेंसेस स्पेशली फॉर एकेडमिक वर्क। और अगर आप की रिपोर्ट स्टूडेंट लेवल पर है, यूनिवर्सिटी लेवल पर है, तो डेफिनेटली आप उसमें कुछ रेफरेंसेस देते हैं, तो कहा गया कि उन रेफरेंसेस का ट्रैक अपने पास रखना है ताकि बवक्त ज़रूरत आप सबूत पेश कर सकें। ऑल दो रेफरेंसिंग इज परहैप्स लेस इम्पॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन सब्सटेंशिएट एनी assertion that you make। कहा गया कि वर्कप्लेस में तो रेफरेंसेस जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुनासिब यह है कि जरूरत पड़ने पर आप इसका सबूत पेश कर सके। दैट यू मेक, सो इट इज हेल्पफुल टू कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन का ट्रैक वाजे रहे कि आपने ये मालूमात फलां जगह से हासिल की थी, आपने ये डाटा फलां बुक से, फलां मैगजीन से या फलां वेबसाइट से हासिल किया था। तो इस चीज़ को वाजे रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने रेफरेंसेस का एक हिसाब रखें। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। ओके, इन टू स्टेप्स के बाद अब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट में क्या कुछ होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चर वेरी। Requirements for structure vary from company to company. Okay. Short reports मुख्तलिफ companies अपने अपने format के मुताबिक लिखवाती हैं, तो एक report की requirements मुख्तलिफ हो सकती हैं। However, you should plan to include at the very least an executive summary introduction, the main body of your report and a section containing your conclusion and any recommendations। हाँ, बताइए पाँच या छः ingredients हैं, parts हैं, जो कि किसी भी report में होना ज़रूरी है। Format थोड़े बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन
जिन पार्ट्स का नाम लिया गया है, जिसमें शामिल है जी एग्जेक्टिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ये तकरीबन हर रिपोर्ट में पाई जाती हैं, मौजूद होती हैं, इनके बगैर रिपोर्ट अधूरी है। लिहाजा इन तीन लाइंस का खुलासा यह है कि मुख्तलिफ कंपनीज का रिपोर्ट फॉर्मेट मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो इसेंशियल पार्ट्स हैं उसको अपनी रिपोर्ट में ज़रूर शामिल करें, उसके बगैर आपकी रिपोर्ट बेकार बेफायदा है। एग्जेक्टिव समरी, तो पहले नंबर पे आ जाते हैं जी एग्जेक्टिव समरी पे। द एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ साइंटिफिक रिपोर्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ द कॉन्टेंट्स, इट्स वर्थ, इट इज वर्थ राइटिंग दिस लास्ट व्हेन यू नो द की पॉइंट्स टू ड्रॉ आउट। तो कहा गया कि जनाब एग्जेक्टिव समरी क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, मुख्तसर है, खुलासा है आपकी सारी रिपोर्ट का, आपकी सारी पीस ऑफ राइटिंग का, और इस मुतलिक इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि बहुत मुनासिब है कि आप सारी रिपोर्ट लिखने के बाद आखिर में इसकी एग्जेक्टिव समरी लिखें, क्योंकि उस वक्त सारे पॉइंट्स आपके जहन में वाजे होंगे और आपको पता होगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर रखना है। इट शुड बी नो मोर देन हाफ अ पेज टू अ पेज इन लेंथ, और जो स्टैंडर्ड पेज होता है वो पेज इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हाफ पेज की आपकी एग्जेक्टिव समरी होनी चाहिए। रिमेंबर दैट द एग्जेक्टिव समरी इज डिजाइन टू गिव बिजी एग्जेक्टिव्स अ क्विक समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। और समरी का मकसद क्या है, इसका मकसद ये होता है कि जो बिजी एग्जेक्टिव्स हैं, हायर अथॉरिटी पर मौजूद लोग बड़े मसरूफ होते हैं, वो पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ सकते, उनके पास इतना वक्त नहीं होता, लिहाजा एग्जेक्टिव समरी पढ़ के या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रिपोर्ट उनके काम की है, उनको पढ़नी चाहिए या फिर अपने सबॉर्डिनेट के हवाले कर देनी चाहिए। ये एग्जेक्टिव समरी की अहमियत है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है जी, द इंट्रोडक्शन सेट्स आउट व्हाट यू प्लान टू से एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करने लगे हैं उसका खुलासा क्या है। इट शुड ऑल्सो टच ब्रीफली ऑन योर कंक्लूजन, और इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन के एक टच होना चाहिए, यानी आपने रिपोर्ट किस टॉपिक से मुतलिक लिखी है, आप क्या नतीजा अखज करेंगे, आप इस मसले के हक में हैं या खिलाफ हैं, या आप इसके हल के लिए कोई सोल्यूशन पेश करते हैं, लोगों को परजुएट करते हैं, कायल करते हैं, जो भी कुछ है आपके एंड का एक टच आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं जी मेन बॉडी, जिसको आप बॉडी ऑफ रिपोर्ट भी कहते हैं। बॉडी ऑफ रिपोर्ट हम लेटर के फॉर्मेट में भी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन में भी पढ़ चुके हैं। मेन बॉडी या फिर बॉडी ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने सब्जेक्ट को तफसील से डिस्कस करते हैं, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पेश करते हैं, इसके हक में दलील देते हैं, इसके खिलाफ बात करते हैं, वट एवर देर इज, वो मेन बॉडी में होता है। मेन बॉडी पैराग्राफ्स की सूरत में हो सकती है, कुछ लोग पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, जिस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं ये उससे, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी ऑफ रिपोर्ट को किस तरह से लिखते हैं, लेकिन आमतौर पर बॉडी ऑफ रिपोर्ट पैराग्राफ्स की सूरत में लिखी जाती है। द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट शुड बी केयरफुली स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट लीड्स द रीडर थ्रू द इशू। मेन बॉडी इस तरह से लिखी जाए कि रीडर को मामले का पता चल जाए। यू शुड स्प्लिट इट इंटू सेक्शंस यूजिंग नंबर्स सब हेडिंग रिलेटिंग टू द थीम और एरियाज फॉर कंसीडरेशन। कहा गया कि जरूरी है कि आप अपनी रिपोर्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसकी हेडिंग बनाएं, सब हेडिंग्स बनाएं या नंबर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम पढ़ने वाले की समझ में आ जाएगा। फॉर ईच ऑफ देम यू शुड एम टू सेट आउट क्लियरली एंड कंसाइसली द मेन इशू अंडर डिस्कशन एंड एनी एरिया ऑफ डिफिकल्टी और डिसएग्रीमेंट। इट मे ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ओके, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला है तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। और द ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रेजेंट शुड बी रिलेटेड बैक टू द ब्रीफ एंड द प्रिसाइज सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। ये अहमियत हो गई जनाब बॉडी ऑफ रिपोर्ट की।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी मेन बॉडी। द मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट शुड बी केयरफुली स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट लीड्स अ रीडर थ्रू द इशू। सॉरी, मेन बॉडी तो हम पढ़ चुके हैं, इस बात कंक्लूजन पे आना है हमने। ओके, कंक्लूजन, द कंक्लूजन सेट्स आउट व्हाट इन्फ्रेंसेस यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इन्फ्रेंस होता है जो नतीजा अखज करना था। कंक्लूजन सेट्स आउट व्हाट इन्फ्रेंसेस यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी, जो डाटा था, उसको एनालाइज करके, उसको स्टडी करके आपने क्या नतीजा निकाला है, क्या इन्फर किया है, वो बताया जाता है कंक्लूजन में। इंक्लूडिंग एनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट भी इसमें शामिल होगा। इट में इंक्लूड रिकमेंडेशंस और दीज मे बी इंक्लूडेड इन अ सेपरेट सेक्शन। आप अपने कंक्लूजन में रिकमेंडेशंस यानी सिफारिशात शामिल कर सकते हैं। सिफारिशात के लिए एक अलहदा से पैराग्राफ, एक अलहदा से हेडिंग भी बन सकती है। तो रिकमेंडेशंस पे आते हैं जी। रिकमेंडेशंस सजेस्ट हाउ यू थिंक द सिचुएशन कुड बी इम्प्रूव। जब आप रिकमेंडेशंस पेश करते हैं, सिफारिशात देते हैं, तो वहाँ आप बताते हैं कि किस तरह से इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। एंड शुड बी स्पेसिफिक, अचीवेबल एंड मेजरेबल, और किस तरह से इसको अचीवेबल बनाया जा सकता है। इन योर रिकमेंडेशंस, इफ योर रिकमेंडेशंस हैव फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, यू शुड सेट दीज आउट क्लियरली विद एस्टिमेटेड कॉस्ट इफ पॉसिबल। और अगर आपकी सिफारिशात में खर्चे का, अखराजात का जिक्र है, आप कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इतना खर्च आएगा, तो उस खर्च की एक अंदाजन रकम, अप्रोक्सीमेट अमाउंट जरूर लिखें। रिकमेंडेशंस रिपोर्ट के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और इसको लास्ट पे रखा जाता है। इसके बाद कुछ बात हो जाए आपके राइटिंग स्टाइल की। राइटिंग स्टाइल रिपोर्ट में बहुत जरूरी है। राइटिंग स्टाइल आपकी रिपोर्ट को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। तो देखते हैं कि राइटिंग स्टाइल में क्या लिखा है। When writing a report, your aim should be to be absolutely clear. Above all, it should be easy to read and understandable. कहा गया कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए, इसको समझना आसान होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इवन टू सम वन विद लिटल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया। हत्ता के अगर कोई ऐसा शख्स आपकी रिपोर्ट पढ़े जिसका ताल्लुक आपके डिपार्टमेंट से नहीं है, जो आपके बिजनेस को, आपकी फील्ड को नहीं जानता, वो भी अगर आपकी रिपोर्ट पढ़े तो उसको कुछ समझ आ जाए। इतनी आसान, इतनी आम फहम लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। ये रिपोर्ट का स्टाइल ऑफ राइटिंग होना चाहिए। यू शुड देयरफॉर एम फॉर क्रिस्प प्रिसाइज टेक्स्ट यूजिंग प्लेन इंग्लिश एंड शॉर्टर वर्ड्स रादर देन लॉन्ग विद शॉर्ट सेंटेंसेस। तो इस मकसद के लिए जरूरी है कि पहले तो आप प्लेन वर्ड्स, सादा लफ्ज इस्तेमाल करें, शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, तवील और पेचीदा फिकरात इस्तेमाल नहीं करने। और राइटिंग स्टाइल में एक बड़ी अहम एडवाइस ये है कि आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। डोंट यूज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस इन योर राइटिंग। नेक्स्ट है जी जार्गन्स, अवॉइड जार्गन्स। हमें जार्गन्स से बचना चाहिए। जार्गन्स क्या है, किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में कुछ खास टर्म्स होती हैं, कुछ खास अल्फाज होते हैं मुख्तलिफ हालातों वाकियात को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हें जार्गन्स कहते हैं। और ये जो जार्गन्स होते हैं आम बोलचाल के अल्फाज में नहीं होते, हमारी स्ट्रीट लैंग्वेज में, गली मोहल्ले की जुबान में जार्गन्स नहीं इस्तेमाल होते, या फिर वो जार्गन्स नहीं होते जो कि किसी खास पेशे से मुतल्लिक है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो कि लोहे का कारोबार करता है, वो लोहा खरीदता है, बेचता है, उसके कुछ कोड वर्ड्स हैं अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक। इसी तरह से एक शख्स जो कि कन्फेक्शनर है, कुछ खाने पीने की चीजें बनाता है, शेफ है, उनके अपने कुछ जार्गन्स हैं किचन से रिलेटेड, मसाला जात से मुतल्लिक, जो कि आम जुबान में, गली मोहल्ले की जुबान में, बोलचाल वाली जुबान में, यानी कॉलोक्वियल लैंग्वेज में नहीं पाए जाते। वो जार्गन्स, वो खास अल्फाज सिर्फ वो शेफ जानता है या वो लोहे का कारोबार करने वाला जानता है। तो राइटिंग स्टाइल, रिपोर्ट के राइटिंग स्टाइल से मुतल्लिक एक
अहम बात यह है कि रिपोर्ट राइटर को जार्गन्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी रिपोर्ट किसी आम शख्स के हाथ में चले जाती है जो कि प्रोफेशनल नहीं है, जिसका ताल्लुक इस पेशे से नहीं है, या वो इस पेशे में नया है, तो उसको रिपोर्ट पढ़ने और समझने मुश्किल ना हो। तो आइए इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि इफ़ यू हैव टू यूज स्पेशलिस्ट लैंग्वेज यू शुड एक्सप्लेन ईच वर्ड एज यू यूज इट। कहा कि अगर आपको खास कारोबारी जुबान इस्तेमाल करना पड़ती है अपनी रिपोर्ट में, तो जितने खास लफ्ज आपने इस्तेमाल किए हैं, जितने जार्गन्स इस्तेमाल किए हैं, जितने टर्म्स यानी इस्तलाहात इस्तेमाल की हैं, उन सारों को साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं, सादा आम फहम लफ्जों में एक्सप्लेन करते जाएं, ब्रैकेट में कुछ लफ्ज लिखकर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। इफ यू फाइंड दैट यू हैव टू एक्सप्लेन मोर देन अबव 5 वर्ड्स, यू आर प्रोबेबली यूजिंग टू मच जार्गन। और अगर आपको महसूस होता है कि आपको 5 से ज्यादा लफ्जों की एक्सप्लेनेशन देना पड़ी है, तो इसका मतलब है कि आपकी तहरीर में जार्गन्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, एंड यू शुड बी केयरफुल एंड नीड टू रिप्लेस सम ऑफ इट विथ सिंपल वर्ड्स। लिहाजा जरूरी है कि आप अपने जार्गन्स की जगह सिंपल वर्ड्स लेकर आए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, कंसीडर योर ऑडियंस। कंसीडर योर ऑडियंस, इसको हम पहले कई मरतबा पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा हमने यू अप्रोच का जिक्र किया हुआ है पिछले सेमेस्टर में या उससे पिछले सेमेस्टर में। जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो अपने पढ़ने वाले को अपने जहन में रखें, उसके नुक्ताए नजर से लिखें, उसकी पसंद और नापसंद, उसकी सोच को जहन में रखते हुए रिपोर्ट लिखिए। यह है कंसीडर योर ऑडियंस। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि इफ द रिपोर्ट इज डिजाइंड टू बी रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, चेक विदर यू शुड बी राइटिंग इट टू यू और इन द थर्ड पर्सन। जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, किसी एक खास बंदे को मुखातिब कर रहे हैं, तो डिसीजन आपका है कि आप यू एटीट्यूड अपनाते हैं, यू लिख कर रिपोर्ट शुरू करते हैं, या फिर उसको थर्ड पर्सन में लिखते हैं। मसलन थर्ड पर्सन क्या है, आगे इसकी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल द चीफ एग्जेक्टिव मे लाइक टू कंसिडर, कि चीफ एग्जेक्टिव साहब इस बात पर तवज्जो देना पसंद करेंगे। जब आप लिखते हैं चीफ एग्जेक्टिव, तो ये थर्ड पर्सन है। और अगर आप लिखते हैं कि यू मे लाइक टू कंसिडर इट, तो यू क्या हो गया, ये यू अप्रोच में आ जाता है, ये सेकेंड पर्सन है। तो जनाब, ये रिपोर्ट के कुछ इंग्रीडियंट्स थे। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इसका एक नया टॉपिक है तो रिपोर्ट से मुतलिक, लेकिन ये इसका सेकेंड हाफ है, सेकेंड पार्ट है। हमने रिपोर्ट की डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कि रिपोर्ट की प्लानिंग में 2 स्टेप्स हैं। रिपोर्ट लिखने से पहले कुछ प्लान कर लेना चाहिए। उसके बाद हमने रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनका एक रिपोर्ट में शामिल होना ज़रूरी है, उनका जिक्र पढ़ा। फिर राइटिंग स्टाइल से मुतलिक चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े। अब आ जाते हैं रिपोर्ट की 2 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है शॉर्ट रिपोर्ट। अ शॉर्ट रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन टू इन्फॉर्म अ स्पेसिफिक ऑडियंस अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन देयर लाइव्स। कहा गया कि शॉर्ट रिपोर्ट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, किसी खास सब्जेक्ट से मुतलिक उनको इंफॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए लिखा जाता है। तो ये जो शॉर्ट रिपोर्ट की डेफिनेशन है, ये ऊपर पढ़ी गई डेफिनेशन से मिलती जुलती है। सच टाइप ऑफ वर्क इज यूज्ड मोर इन बिजनेस जर्नलिज्म एंड साइंस रेदर देन एज द यूनिवर्सिटी असाइनमेंट। तो ये जो काम है, ये यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स की जगह प्रोफेशनल्स में इस्तेमाल होता है। ये होगी जनाब इसकी डेफिनेशन शॉर्ट रिपोर्ट की। अब इसके बाद थोड़ा सा इसकी तफसील की तरफ आ जाते हैं। ऑल कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस हैव देयर ओन फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि तमाम तरह कंपनीज का अपना अपना फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए. इम्प्लॉयज ऑफन कम अनप्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग सच वर्क्स एज यूनिवर्सिटी रियली फोकस ऑन देम इनफ. और कहा गया कि जब एक नया शख्स हायर किया जाता है किसी कंपनी में तो वो इस काम के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ कंपनीज के राइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती. लॉन्ग रिपोर्ट्स मे बी प्रिपेयर्ड ओनली वंस और ट्वाइस अ ईयर, बट शॉर्ट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस इन बिजनेस फर्म्स एंड ऑफिसेस. इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट. ये एक बड़ी अहम बात कहेगी कि जनाब लॉन्ग रिपोर्ट तो साल में एक बार या साल में दो बार लिखी जाती है, लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट तो डेली बेसिस पे लिखी जाती है. किसी एक कंपनी में हर रोज कोई एक डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट जनरेट करता है, लिहाजा जरूरी है कि शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट हमें पता हो. उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. पर्पस ऑफ रिपोर्ट. अब दूसरी चीज आ जाती है कि पर्पस क्या होना चाहिए हमारी रिपोर्ट का. बिफोर गेटिंग टू राइटिंग यू नीड टू थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट. शॉर्ट रिपोर्ट्स आर सोलली इंफॉर्मेटिव. कहा गया कि आप रिपोर्ट लिखने से पहले अपने जहन में वाजे कर लें कि आपकी रिपोर्ट का पर्पस क्या है. आमतौर पर रिपोर्ट्स इंफॉर्मेटिव होती हैं, मालूमात फराहम करने के लिए होती हैं, बट समटाइम्स कैन आस्क और वॉर्न अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स. लेकिन बाउस का इसमें कोई वार्निंग भी हो सकती है. तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, और इसका पर्पस आपके जहन में वाजे होना चाहिए. इफ द पर्पस इज क्लियर फॉर यू, रीडर विल अंडरस्टैंड इट टू एंड मेक एप्रोप्रिएट कंक्लूजन. अगर आपके जहन में पर्पस वाजे है तो आप रिपोर्ट को अच्छे तरीके से लिख सकेंगे और पढ़ने वाले को भी समझ आएगी, इसका एक रीजनेबल कंक्लूजन भी बनेगा. कंसीडर योर ऑडियंस. अगली बात यह कि आपने अपने ऑडियंस पर तवज्जो देनी है. ये वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी जिसको हम यू अप्रोच कहते हैं. जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, शॉर्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो अपने ऑडियंस को जहन में रखें, उनकी सोच के मुताबिक लिखें. इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर योर ऑडियंस वैन राइटिंग. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स और न्यूज़ फॉर जर्नल्स एंड अदर पीरियोडिकल्स, इट इज़ बेटर टू कीप द लैंग्वेज सिंपल एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल to deliver the information accurately. तो ऑडियंस का ख्याल रखना किस तरह से है कि अगर आप किसी जर्नल के लिए लिख रहे हैं, न्यूज़ चैनल के लिए लिख रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी लैंग्वेज को सादा और आम फहम रखें ताकि ऑडियंस यानी रीडर्स इसको पढ़ने वाले आसानी से पढ़ सकें. अगर आप टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बड़े बड़े जार्गन्स का इस्तेमाल करेंगे, टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट, तो बहुत मुमकिन है कि रीडर पढ़ने वाला आपकी रिपोर्ट पढ़कर कंफ्यूज हो जाए, इसको समझ ना सके. हो सकता है कि उस फील्ड में नया हो. लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑडियंस को अहमियत दें तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी लैंग्वेज को सादा रखें. वेन योर रीडर्स आर specialized in the same field, you could use terms and jargons to present data more precisely. हाँ, अलबत्ता अगर आप देखते हैं कि जिन लोगों के हाथ में आपकी रिपोर्ट जानी है उनका ताल्लुक इसी डिपार्टमेंट से और वो तमाम तरह के टर्म्स एंड जार्गन्स को जानते हैं, तो फिर आप खुलकर इसका इस्तेमाल करें. इट डजंट मैटर. एज शॉर्ट रिपोर्ट्स आर मोर डायरेक्ट एंड एड्रेस टू द स्पेसिफिक ऑडियंस, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस योर अटेंशन ओनली ऑन दोज थिंग्स दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल. जी, इंटरेस्टिंग फॉर पीपल एक बार फिर से यू अप्रोच है. आपको मालूम है कि आपकी शॉर्ट रिपोर्ट कुछ खास लोगों के लिए है, तो उन लोगों के इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए अपनी रिपोर्ट को जरा मोल्ड करने ढाल लें उनके मिजाज के मुताबिक, उनकी पसंद, उनकी डिमांड के मुताबिक. उसके बाद आ जाता है जी स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट. Structure of report contains a lot of report writing. Structure of report counts a lot in report writing. कहेंगे कि report writing में इसका structure बड़ा अहम होता है. A solid structure ensures the
acceptability of your reports, while loosely constructed report cast a slur upon the good name of company and its writer. Nowadays, it has become easy to compose short reports because there are thousands of helpful samples on the web that might fit your particular paper. तो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बहुत अहम है. अगर आपकी आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी. अगर आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर लूज होगा, आपकी रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इट विल फेल. और आज के दौर में रिपोर्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रखना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पर कई तरह के रिपोर्ट फॉर्मेट्स दस्तयाब हैं. लास्ट है जी प्रूफ रीडिंग. शॉर्ट रिपोर्ट्स आर यूज्ड मोर widely in business writing. They are considered as very functional documents for all companies. तो कहा गया कि reports, जो short reports हैं, business field में बहुत आम इस्तेमाल होती हैं. It is therefore vital to proofread and recheck the work after you have finished it. तो मुनासिब है कि आप अपने काम की proofreading करें, इसको check करें, इसको recheck करें. Proofreading enables to you ensure that you have सेटिस्फाइड द नेसेसरी क्राइटेरिया, क्योंकि प्रूफ रीडिंग से आपको पता चल जाता है कि एक कंपनी का जो भी कोई सेट स्टैंडर्ड है, आपकी रिपोर्ट उस सेट स्टैंडर्ड के बराबर है या नहीं है. यहां पे हमारे इस लेक्चर का सेकेंड हाफ यानी शॉर्ट रिपोर्ट खत्म हुई. इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट स्पेसिमेन, एक एग्जाम्पल रिपोर्ट आपके सामने है. ये शॉर्ट रिपोर्ट का एक स्पेसिमेन है, एक नमूना है. मैं इसको तफसील से नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इसकी हेडिंग्स बता रहा हूँ आपको. देखिए, हमने पढ़ा था इसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसको एग्जेक्टिव समरी भी कहा गया था. इंट्रोडक्शन है, डिस्कशन, इसको बॉडी ऑफ रिपोर्ट कहते हैं. इसमें कंक्लूजन है, हमने रिकमेंडेशंस का जिक्र पढ़ा था, इसमें रिकमेंडेशंस भी है. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और ये स्टार्ट भी था. स्टार्ट और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि शॉर्ट रिपोर्ट्स लेटर के फॉर्मेट में होती है, और पिछले सेमेस्टर्स में जब हमने लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स और एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें इसका स्टार्ट और एंड हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद हमारे लेक्चर का आज का लास्ट पार्ट है जी लॉन्ग रिपोर्ट. लॉन्ग रिपोर्ट को मैं बड़ा मुख्तसर से पढ़ देता हूँ क्योंकि लेक्चर का टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है. A long report provides an in-depth view of an issue and discusses its long history. कहा गया कि long report करती है, क्या करती है, किसी भी issue, किसी भी problem से मुतालिक हमें in-depth, गहराई में जाकर information फ्राहम करती है और इसकी तवील तारीख बयान करती है. A long report differs from a short report in purpose, scope, format and audience. लॉन्ग रिपोर्ट में, शॉर्ट रिपोर्ट में बड़ा फ़र्क है. इन दोनों के स्कोप में, इनके टारगेट में फ़र्क है. इनके ऑडियंस मुख्तलिफ होते हैं, इनका पर्पस मुख्तलिफ है. इनको मुख्तलिफ मकासद हासिल करने के लिए लिखा जाता है. इट इज़ द आउटकम ऑफ मैनी वीक्स इवन मंथ्स हार्ड वर्क. और लॉन्ग रिपोर्ट क्या है, कई महीने, कई कई हफ्तों की सख्त मेहनत का नतीजा होती हैं. लॉन्ग रिपोर्ट्स प्रजेंट अ लार्ज एंड एन इन डेप्थ व्यू ऑफ प्रॉब्लम और आइडिया. जो भी प्रॉब्लम लॉन्ग रिपोर्ट्स में डिस्कस किया जाता है, उसको बड़ी तफसील से डिस्कस किया जाता है. इट आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टडीज एंड इज मच मोर वाइड स्प्रेड. लॉन्ग रिपोर्ट पढ़ने के लिए रिपोर्ट लिखने वाले के पास बड़ा नॉलेज होना चाहिए. जरूरी है कि उसने रिपोर्ट राइटर बनने से पहले एक्सटेंसिव स्टडीज कर रखी हो रिपोर्ट से मुतालिक. फॉर अ शॉर्ट रिपोर्ट इट इज सुटेबल टू राइट इट इन अ लेटर और मेमो फॉर्मेट, बट फॉर अ लॉन्ग रिपोर्ट इट मस्ट बी रिटन इन अ वेरी प्री-अरेंज्ड स्टाइल. कहा गया कि शॉर्ट रिपोर्ट को तो हम लेटर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रिपोर्ट का अपना एक फॉर्मेट होता है और वो प्री अरेंज होता है, वक्त से पहले उसको अरेंज करना पड़ता है. इसके बाद फॉलोइंग आर सम ऑफ द रूल्स टू बी फॉलोड टू कंपोज अ लॉन्ग रिपोर्ट. अगर आप एक अच्छी लॉन्ग रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मंदरजा ज़ैल कवानीन है जिसका इलम होना आपको जरूरी है. इसका इम्प्लीमेंट होना भी जरूरी है अपनी रिपोर्ट में, आपने इसको लागू करना है. इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं नहीं पढ़ रहा, इन रूल्स को मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये कमोबेश वही है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. थोड़े मुख्तलिफ हैं, बाकी ये सारे वही हैं. तो जनाब आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने
एक बड़ा टॉपिक कवर किया है। रिपोर्ट एक टॉपिक है, शॉर्ट रिपोर्ट दूसरा टॉपिक है, लॉन्ग रिपोर्ट तीसरा टॉपिक है। मैंने तीन टॉपिक्स को एक लेक्चर के अंडर कवर किया है, क्योंकि पेपर में ये सारा टॉपिक तो नहीं आएगा। आपसे लॉन्ग रिपोर्ट से मुतलिक पूछा जा सकता है, शॉर्ट रिपोर्ट से मुतलिक पूछा जा सकता है, मुख्तसर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिपोर्ट, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट, कई तरह से सवाल बन सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस लेक्चर को आप तवज्जो से सुने, इसको पढ़ें समझें, और ख़ास तौर पर लॉन्ग रिपोर्ट से मुतलिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी किताब से हासिल करें या अपनी अपने इंटरनेट से हासिल करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें। तो आज के इस लेक्चर के बाद अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह जल्द आपके अगले लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।